भारत को जल्द ही हिंदू राष्ट्र बना देंगे पीएम मोदी, संविधान हुआ तैयार। हिंदू राष्ट्र में मोदी की काशी बनेगी राजधानी, मुस्लिम व ईसाई होंगे अधिकारों से बेदखल। हिंदू राष्ट्र व अखंड भारत बनने का करोड़ों लोगों का सपना होगा पूरा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग समय समय पर होती रही है। कभी कभी किसी अखाड़े के महंत हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हुंकार भरता है, तो कभी किसी धर्म संसद से अखंड भारत की आवाज उठती रहती है। अब इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदू संगठनों ने एक भारत एक हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान का मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिसमें तमाम नियम कानूनों का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस संविधान को कितने अधिकार दिए जाएंगे और देश को किस तरह से चलाया जाएगा। अभी तो हिंदू संविधान लिखना शुरू ही किया गया है। हिंदू संविधान की सारी बातों को हिंदू संगठन देश के संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेला में बताएंगे। फिलहाल जो संविधान धर्म संसद ने बनाया है वो 32 पन्नों का है, जो हिंदू राष्ट्र का मसौदा है। इसमें शिक्षा, रक्षा, कानून व्यवस्था, मतदान प्रणाली, राज्य के मुखिया के अधिकार और देश के मुखिया के अधिकार के बारे में बताया गया है। इस मसौदे में देश की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि यूपी की शान काशी यानी वाराणसी को बनाने की मांग की गई है। हिंदू राष्ट्र के संविधान में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को भारत की राजधानी बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा देश के हर एक नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण देना अनिवार्य बताया गया है। कृषि को बिल्कुल टैक्स फ्री किए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। विशेष बात यह है कि मुस्लिम और ईसाइयों को वोट नहीं देने की बात कही गई है। इसके अलावा कई और प्रस्ताव हिंदू राष्ट्र के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस संविधान को तैयार करने के लिए पीठाधीश्वर शंकराचार्य और गणमान्य लोगों की राय ली गई है। संविधान का मसौदा तैयार करने में स्वामी आनंद स्वरूप, कामेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बी आर रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा और डॉक्टर विद्यासागर शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संविधान का कवर पेज कैसा होगा, तो हम आपको बता दें कि कवर पेज पर अखंड भारत का नक्शा बना है। जो देश भारत से अलग हो गए हैं उन्हें भारत में शामिल करने के लिए नक्शा दिखाया गया है। साथ ही मंदिरों के ऊपर भगवा झंडा लहराते हुए दिखाया गया है। हिंदू राष्ट्र के संविधान में और क्या कुछ है वो भी जान लीजिए। आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र का संविधान 750 पृष्ठों का होगा। हर हिंदू को 16 साल की उम्र पूरी करने के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। देश के पार्लियामेंट की जगह धर्म संसद बनाए जाएंगे, जिसमें 543 सदस्य चुने जाएंगे। सब कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा। इसके अलावा संविधान के पन्नों में देवी देवताओं और भारत के महान हस्तियों के चित्र संविधान में सजोए जाएंगे, जिसमें माँ दुर्गा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, आदि शंकराचार्य, चाणक्य, वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान और विवेकानंद शामिल हैं। इसके अलावा दंड का प्रावधान त्रेता और द्वापर युग जैसा रहेगा। स्कूलों के जगह पर गुरुकुल परंपरा को शुरू किया जाएगा। कुछ इस तरह से हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने में धर्म संसद वाले संत और महात्मा लगे हुए हैं। साथ ही संविधान भी तैयार कर लिया गया है। अब इस पर आपका क्या विचार है? आप इस संविधान का समर्थन करते हैं या विरोध? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।